अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि इराद का वीज़ा कैसे चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमें टाइप करना है इराक वीज़ा। ये हम टाइप कर दिए इराक वीज़ा, उसके बाद नीचे ये इराक वीज़ा आ रहा है, इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा जो फर्स्ट वाला आ रहा है evisa.iq, इराक वीज़ा चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ई वीज़ा पे जाएंगे। उसके बाद ई वीज़ा पे जाने के बाद ऐसा वाला पोर्टल खुल के आएगा। तो ऐसा वाला पोर्टल पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे जिसमें ये फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है ई वीज़ा। इराक के लिए ई वीज़ा का अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से अपना वीज़ा चेक भी कर सकते हो। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर और पासवर्ड का जरूरत है, ये जरूरी नहीं है चेक करने के लिए। हमें नीचे उसके नीचे जस्ट नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट योर पासवर्ड और वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्टिव वीज़ा। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा वाला इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें हमें पासपोर्ट नंबर और किस कंट्री का नेशनलिटी है उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पासपोर्ट नंबर इसमें फिल कर लेंगे। हमारा पासपोर्ट नंबर इसमें हम फिल करेंगे। चलिए हम अपना पासपोर्ट नंबर इसमें फिल करते हैं। ये हम अपना पासपोर्ट नंबर फिल कर रहे हैं। ये हमने पासपोर्ट नंबर फिल कर लिया। उसके बाद से ये हम नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूरी अरबी में लिखा हुआ है, इसमें हमें हिंदी करके नीचे एकदम नीचे से सबसे लास्ट से हमको ऊपर आना है। हिंदी यानी इंडिया होता है, आपका जो भी कंट्री है वो आप सेलेक्ट कीजिए। तो हम नीचे से सबसे ऊपर आएंगे तो ये रहा हमारा हिंदी, ये वाला ऑप्शन हमारा हिंदी। तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा हमारा देयर इज एन एक्टिव वीज़ा फॉर दिस पैसेंजर, यानी इनका वीज़ा वैलिड है। जो वीज़ा दिया गया है एजेंट के द्वारा, ये वीज़ा वैलिड है, ये इराक ट्रेवल करने के लिए वैलिड वीज़ा है। अगर ये यहाँ पे आपका वीज़ा गलत होगा तो यहाँ पे लिखेगा देयर इज नो एक्टिव वीज़ा फॉर दिस पैसेंजर। तो है ना आसान चेक करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।